पटरी व्यवसायी संघ और रेलवे स्टेशन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने रविवार की शाम महाराणा प्रताप मूर्ति के समक्ष एकत्र होकर पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मशाल जुलूस निकालकर काली मंदिर चेतना तिराह होते हुए टाउनहाल हाल गांधी प्रतिमा के समक्ष पाकिस्तान विरोधी नारों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रेलवे व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशाद खान उर्फ भोला, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी शाकिर अली सलमानी, विनोद श्रीवास्तव, आजम घोसी, पीयूष कुमार, ध्रुव कुमार आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने कहा, सुधीर कुमार झा, पटरी व्यवसाय संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पटरी व्यवसाय संघ और रेलवे व्यापार मंडल के नेतृत्व में हम लोग महाराणा प्रताप मूर्ति के पास से जो है पैदल मशाल जुलूस कैंडल जुलूस लेकर के गांधी जी के प्रतिमा के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पर में हम लोग 5 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हम लोग आप मीडिया के माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं, पूरा देश आज के डेट में शोक से डूबा हुआ है। निश्चित रूप से आज कोने कोने में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज इसी के साथ हम सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि हर शहीद परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। निश्चित रूप से भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।